हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला की मनाली, लख, गड़सा, सैंज, तीर्थन आदि घाटियों में हर वर्ष लाखों पर्यटक घूमने आते हैं। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर प्रफुल्लित होते हैं। ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, हरे भरे कायल, देवदार, रई, तोस, खरसरखाल के पेड़, कल कल बहती ब्यास, सरबरी, गोमती, सैंज और तीर्थन नदियाँ हर किसी को रोमांचित करती हैं। पर्यटक कुल्लू मनाली में आकर प्राकृतिक दृश्यों को देखकर मन में एक सुकून तो पाते ही हैं, साथ ही बहुत सी मीठी यादें भी अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ पर साहसिक गतिविधियाँ जैसे ट्रैकिंग, स्कूटर राइडिंग, पैराग्लाइडिंग, स्केटिंग, स्कीइंग, रिवर राफ्टिंग, पर्वतारोहण जैसी गतिविधियाँ पर्यटकों को आकर्षित करती हैं, पर इन गतिविधियों में जोखिम भी बहुत रहता है। हर वर्ष छोटी छोटी लापरवाही के कारण बहुत से पर्यटक अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए हम कुल्लू घाटी में आने वाले सभी पर्यटकों को कुछ सावधानियां बरतने की सलाह दे रहे हैं। अगर पर्यटक हमारे इन सुझावों पर गौर करते हुए यहाँ अपना समय बिताएंगे तो बहुत सी परेशानियों से बच सकेंगे, साथ ही अपनी यात्रा को आनंददायक भी बना पाएंगे। कुल्लू ज़िले में आकर पर्यटक सबसे अधिक आकर्षित होते हैं नदी के किनारे सेल्फी लेने के लिए। कई बार सेल्फी लेते लेते बहते पानी की जल धारा में चले जाते हैं, नदी की गहराई को नहीं समझ पाते और सेल्फी लेते हुए उसमें डूब जाते हैं। पर्यटकों की सबसे अधिक मौतें नदी के बीच जाकर सेल्फी लेने से होती है, इसलिए नदी या खड्ड से कुछ दूरी बनाकर ही सेल्फी लें। बरसात में बादल फटने का डर रहता है, अतः वर्षा होते ही नदी नालों से दूर रहें। ट्रैकिंग करने वाले बहुत से ट्रैकर इसलिए अपनी जान गंवाते हैं क्योंकि वे अकेले ही ट्रैक पर निकल जाते हैं और घाटियों के अनजान रास्तों से परिचित ना होने के कारण पथरीली ढांक से फिसल जाते हैं। कई दिनों तक वे लापता रहते हैं। कहते हैं पहाड़ों के रास्तों और बारिश का कोई पता नहीं होता कहां गुम हो जाए और कहां बरसे, इसलिए ट्रैकिंग या पहाड़ों की सैर करनी है तो कुशल गाइड की ही सेवा लें। कुल्लू मनाली में बहुत से टूर ऑपरेटर हैं जो सही तरीके से ट्रैकिंग करवाते हैं। हालांकि कुल्लू घाटी में हर स्थान पर होटल, गेस्ट हाउस, होमस्टे बने हुए हैं, फिर भी अप्रैल से लेकर जून तक और सितंबर से लेकर नवंबर तक पर्यटकों की अधिक संख्या होने से नाइट स्टे के लिए कमरे मिलना मुश्किल होते हैं, अतः इन दिनों में पहले से बुकिंग करके आएं। नदी में राफ्टिंग करते हुए तथा पैराग्लाइडिंग करते हुए उनको चलाने वालों के लाइसेंस अवश्य चेक करें। ये भी सुनिश्चित करें कि क्या इमरजेंसी में उनके पास सरकार द्वारा निर्धारित सभी इक्विपमेंट्स हैं। इनमें बैठने से पहले मोल भाव अवश्य करें ताकि आवश्यक छूट का लाभ ले सकें। बर्फ के ऊपर स्केटिंग या स्कीइंग करते समय भी कुशल ऑपरेटर की सेवाएं लें, इससे हाथ पांव टूटने की संभावना नहीं रहती। यदि घोड़े या स्नो स्कूटर की सवारी कर रहे हैं तो वहां भी मोल भाव अवश्य करें। बहुत से पर्यटक अपनी गाड़ी लेकर आते हैं और बिना मतलब के ओवरटेक करते हैं, ये देखते हुए भी कि सड़क पर लंबी लाइन लगी है। जब ओवरटेक करते हैं तो जाम की स्थिति और भी खराब हो जाती है, इसलिए ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य करें। पहाड़ के मार्गों में कई मोड़ों से होकर गुजरना पड़ता है, स्पीड अधिक होने के कारण जानलेवा एक्सीडेंट होते हैं।
घर जिंदा वापस लौटने के लिए आवश्यक है कि गाड़ी मैदानी सड़कों की तरह अधिक स्पीड में ना चलाएं। हमेशा चिन्हित पार्किंग स्थल में ही गाड़ी पार्किंग करें। हम भारतीयों की एक बहुत बुरी आदत है, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर खाने पीने की चीज़ों में प्रयुक्त होने वाले प्लास्टिक के पाउच और बोतलों को सड़क के खड्ड के किनारे जहाँ तहाँ फेंकते हैं। इससे पर्यावरण तो प्रदूषित होता ही है, बल्कि जगह जगह कूड़े के ढेर होने से प्रकृति को भी नुकसान होता है। अब तो सरकार ने हर जगह कूड़ेदान रखे हैं। कृपया प्लास्टिक बोतलों और अन्य सामग्री को यूज़ करने के बाद अपने साथ लाकर कूड़ेदान में ही डालें, ताकि आपके बाद आने वाले पर्यटकों को हर स्थान पर कूड़ा ना दिखने को मिले और यहाँ के सभी पर्यटक स्थल हमेशा सुंदर दिखें। एक आवश्यक बात यहाँ की लोक संस्कृति को समझने की है। बहुत से पर्यटक कुल्लू आकर यहाँ की महिलाओं का विशिष्ट परिधान पट्टू पहनकर फोटो खींचते हैं, पर देखने में आया है कि पट्टू उल्टा पहनती हैं। बेकृपया पहनाने वाली महिलाओं से कहें कि पट्टू सही तरीके से पहनाएं जैसा वे स्वयं पहनती हैं। ये स्थानीय महिलाओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि पट्टू को कुल्लू ढंग से जिस तरह से खुद पहनती हैं उसी तरह ही पहनाएं। दुनिया में किसी भी पर्यटक स्थल में वहाँ के वस्त्र को उल्टा पहनने की परंपरा नहीं है। देखने में ये भी आया है कि महिलाओं की देखा देखी पुरुष भी पट्टू पहनने लगे हैं, जबकि ये पुरुषों का परिधान नहीं है। यहाँ हम इस काम को करने वाली महिलाओं से भी प्रार्थना करेंगे कि वे अपने पास पुरुष परिधान कुर्ता पजामा बास्केट और टोपी रखें और पुरुष पर्यटकों को पहनाएं। इससे कुल्लू की पारंपरिक वेशभूषा सही रूप में यहाँ से बाहर जाएगी। कुल्लू देवभूमि है। यहाँ गांव गांव में देवी देवताओं का मंदिर तथा बहुत से पर्यटक स्थलों पर पवित्र स्थान हैं, अतः उन स्थानों की शुद्धता बनाए रखें। आशा है हमारी बताई गई इन छोटी छोटी बातों पर सभी पर्यटक गौर करते हुए कुल्लू मनाली घूमेंगे तो अपनी यात्रा को सुखद और यादगार बनाकर वापस लौटेंगे, ताकि घर जाकर यहाँ बिताए हुए हसीन और सुखद पलों को साझा कर सकें।